नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ज्योति गनौजिया। जसवंत नगर बलरई के मध्य DFCC रेलवे ट्रैक हुआ बड़ा हादसा। मालगाड़ी ट्रेन की करीब 17 बोगियां हुई क्षतिग्रस्त व 7 बोगियां पटरी से उतरी। राजपुर गांव के पास मालगाड़ी के करीब आधा दर्जन डिब्बे पटरी से उतर गए, जबकि 17 डिब्बे पलट कर क्षतिग्रस्त हो गए। घटना शाम 6 बजे करीब घटित हुई। डेडिकेटेड ट्रैक कॉरिडोर पर मालगाड़ी के पलट जाने के कारण कुछ समय के लिए दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक को बंद किया गया था। जिस जगह ट्रेन ड्रिल हुई है उसके बगल से ही दिल्ली हावड़ा रोड गुजरा है। पेट्रोलियम टीम द्वारा जांच के बाद अधिकारियों की अनुमति से दिल्ली हावड़ा रेलवे रूट चालू कर दिया गया है। सूचना पर पहुंचे SDM नंद प्रकाश मौर्य, क्षेत्राधिकारी जसवंत नगर, इंस्पेक्टर अमरपाल सिंह, बलरई थाना अध्यक्ष मुकेश चौहान ने जानकारी हासिल की। जसवंत नगर के पास ट्रैक कॉरिडोर पर घटी घटना। क्षेत्र के ग्राम भारद्वाजपुरा के समीप फ्रेट कॉरिडोर मालगाड़ियों के लिए बने रेलवे ट्रैक डाउन लाइन पर एक मालगाड़ी जो गाजियाबाद से कानपुर की ओर जा रही थी, अचानक एक आवाज के बाद 17 डिब्बे पलट कर क्षतिग्रस्त हो गए। अन्य 7 डिब्बे रेलवे ट्रैक से उतर गए। इस घटना से रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। समाचार लिखे जाने तक घटना कैसे हुई उसका पता नहीं चला। विवरण के अनुसार सोमवार की साय 6 बजे मालगाड़ी संख्या JSLS जैसे ही खंबा नंबर 651/23 से लेकर 651/52 के बीच पहुंची तथा तेज आवाज के बीच मालगाड़ी के डिब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना की जानकारी जैसे ही आसपास के गांव के लोगों को पहुंची, लोग वहां पहुंच गए। नितेश यादव, जिला ब्यूरो इटावा की रिपोर्ट। अब ये बताएं, ये ट्रेन पलटी है यहाँ कैसे, क्या हादसा हुआ यहाँ? ये ट्रेन बहुत तेज़ी से आ रही थी, हम सभी गांव वाले गांव के बाहर बैठे हुए थे तो बहुत तेज़ी से ट्रेन निकली और एक ज़ोर सी आवाज़ हुई, उसके बाद चारों तरफ धुंध सी धुंध छा गई। जब हम लोगों ने देखा कि गाड़ी पलट गई तो सारे लोग तेज़ दौड़ के आए तो देखा कि लोहे के बड़े बड़े गाटर लगे हुए हैं, उनमें से एक गाटर जैसे ही गिरा तो पूरी पटरियों को खाड़ के और सारी ट्रेन पलट गई। अच्छा, ये कौन सी लाइन पर जो ट्रेन पलटी है? ये जो अभी नई ट्रैक बनाया जा रहा है, इटावा तक कंप्लीट है, उसी ट्रैक की बात है। टाटा वाले अभी तक कितना समय हो गया है ट्रेन पलटे हुए? ये समथिंग 6 बजे के लगभग आसपास की बात है तभी ये ट्रेन पलटी। अधिकारीगण कोई मौजूद आए अभी तक? अभी कोई अधिकारी नहीं है, लेकिन सूचना मिली है कि जो प्रशासन के कुछ लोग, पुलिस बल आ चुका, दो गाड़ियां आ गई और बाकी रेलवे की तरफ से भी कोई अधिकारी नहीं है। जो ट्रेन पलटी है वो किस तरह की ट्रेन है और लगभग कितने उसमें जो बोगी हैं डैमेज हुई हैं? उसमें टोटल 47 बोगियों के लगभग है और तकरीबन 15 से 17 बोगियाँ पलट गई हैं और जिसमें 10 बोगियां तो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिनके कारण पूरी लाइन ख़राब हो गई और जो बिजली के खम्भे थे वो भी टूट के ज़मीन पर गिर पड़े। अच्छा, इसमें किसी भी तरह की जनहानि होने की ऐसी कोई नहीं? नहीं, आसपास कोई था नहीं। दरअसल आज त्यौहार का समय चल रहा है तो सारे लोग जो है घर पर त्यौहार मना रहे थे और बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज कोई आसपास बकरी चराने वाले लोग नहीं थे, नहीं तो शायद बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। क्या आप मानते हैं अगर इसकी जगह कहीं अगर सवारी ट्रेन होती, अगर उस जगह इसकी जगह अगर उसका हादसा हुआ होता तो लगभग काफ़ी जनान होने की संभावना थी? जी बिल्कुल, जनान होती क्योंकि त्यौहार में सारे लोग इधर से उधर जा रहे हैं तो जायज़ सी बात है गाड़ियों में भीड़ चल रही है। अगर इस दौरान ट्रेन पलटती है तो कई हज़ारों की संख्या में लोगों की जनहानि होने की संभावना थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, केवल ये जो है ये मालगाड़ी थी, इसलिए कोई ज़्यादा जनहानि नहीं हुई किसी की। ठीक, से कानपुर की तरफ एक मालगाड़ी जा रही थी और भारद्वाजपुर पड़ता है राजपुर का मजरा, जहाँ पे डिरेल हो गई और इसके कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। कितने डिब्बे का आकलन लग रहा है यहाँ पर? 7 डिब्बे तो दिख रहे हैं साफ साफ, और भी कुछ डिब्बे हैं।